प्रताप सिंह जी, आप चुनाव में उतर चुके हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो क्या लोगों से क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, कहीं भी मैं जा रहा हूँ तो लोग मुझे, जो मैंने उन तक संदेश पहुँचाया था, अपने आप लोगों ने जो मेरा संदेश उन तक पहुँचाया था, अब मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बीच जा जाके, और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में रहती है कि कहीं ना कहीं हर घर घर से, पूरे विधानसभा से एक ना एक आदमी आके मेरा संदेश लेके, और जो मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूँ पूरे विधानसभा में, खास करके चुनाव के लेकर, वो संदेश उन तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तो गुड़ विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, आज मैंने कोई समस्याओं का, पहली बार मेरे कोई समस्या सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि पहली बात, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा घर है और यहाँ की पैदाइश है मेरी और यहाँ पर मेरा पूरा परिवार रहता है, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आज मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में घूमना चालू किया है मैंने तो मुझे नई समस्याओं का पता चला है। मुझे काफ़ी सारी समस्याओं का पहले से ही समाधान था, मगर जो एकदम जड़ की व्यवस्था है, कि जैसे आज हम करौंदी गांव में गए तो वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था बनाई गई थी मगर बंद कर दी गई, और बच्चों को 10 किलोमीटर दूर एक दूसरे गाँव में स्कूल लगाने के लिए जाना पड़ता है। तो बस ऐसी जो स्पेसिफिक बातें हैं समस्याओं की, वो मेरे सामने आ रही हैं, और मैं जानता था कि देखिए, अगर कोई भी प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो सबसे पहले उनके लिए, उसके लिए अपनी जनता के लिए उपलब्धता बनानी पड़ती है कि लोग उससे बात कर पाएँ, और बात लोगों से बात करने के बाद समस्याओं का पता चलता है, और जब समस्याओं का पता चलता है तो समस्याओं का समाधान होता है, और समाधान जब हो जाता है तो क्षेत्र का विकास हो जाता है। आपके हिसाब से एक नेता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अगर जनता आपको मौका देती है तो एक विधायक की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? देखिए, प्रतिनिधित्व करने वाले को हमेशा अपनी जनसेवा का जो अर्थ है उसे बड़ी गंभीरता के साथ अपने पूरे कार्यकाल तक समझना चाहिए। मौका मिले या ना मिले, मगर उद्देश्य कभी नहीं बदलना चाहिए, और अपना सफ़र शुरू करने से पहले जो लकीर है, जो विचारधारा है, और बड़ों के मार्गदर्शन के साथ अपनी जनता की समस्याओं के साथ उसे हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जहाँ तक कि मेरी कहानी है तो उसे स्वस्थ शरीर रखना चाहिए, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ी है और समस्याएं बहुत ही संख्या में हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो मुद्दों पर पहुँचना, मौक़ों पर पहुँचना, एक एक समस्याओं को समाधान करने के लिए सबसे पहले चाहिए स्वस्थ शरीर और साफ नीयत। आप बाहर से आए हुए हैं, आप अमेरिका रिटर्न हैं, आपने बाहर इतना कुछ देखा है, तो बाहर की चीज़ों को आप अपने क्षेत्र पर कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ के विकास के लिए बाहर का मॉडल कैसे फॉलोअप करेंगे? बाहर जाने का मौका मिला था मैं अपना, मगर मैं होम रिटर्न हूँ, अपने घर वापस आया हूँ। बस बाहर गया था और वापस आ गया, जैसे सब कोई बाहर जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो इसमें अमेरिका का कोई ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। बाकी बाहर जाने से काफ़ी सारी चीज़ें, जो विकास का जो सही उदाहरण होता है वो मैंने कई देशों में देखा है, और इसी वजह से जो मेरी मन की विपदा है, जो टीस है कि मेरे घर में, मेरी पहचान में ऐसी समस्याएं हैं विकास को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पहलू है कि जिसकी वजह से मैंने आज ये निर्णय लिया है, इतनी कम उम्र में बड़ा कदम उठाया है। तो देखिए, आज की डेट में अगर बात करा जाए तो अपने क्षेत्र की, आज की डेट में सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा साथ देने वाला मैं ही हूँ, और आम आदमी पार्टी से मुझे मौका मिला है, और केजरीवाल जी का मार्गदर्शन है जो उन्होंने दिल्ली में किया और पंजाब में किया। तो देखिए, अगर मौका मिलता है या नहीं भी मिलता है तो क्षेत्र के लिए अब मैं आ चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं इतना नुकसान तो नहीं होने दूंगा अगर नहीं मौका मिलता है, और अगर मौका मिलता है तो नुकसान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सिर्फ विकास ही विकास है। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर जनता ने आप पर भरोसा दिखाया, आप विधायक बन जाते हैं, तो आप सबसे पहले किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? आपसे मेरी पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, मगर मैं फिर भी दोहरा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ छोटे विकासों की व्यवस्था। मैं जानता हूँ कि बड़े विकासों के लिए मुझे एक भी बार कुछ भी पहल नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप होंगे, मैं जानता हूँ, मगर जिन प्रतिनिधि को
अपने क्षेत्र के लिए अंदरूनी हिस्सों के लिए काम नहीं करना, इसीलिए वो अपने पूरे कार्यकाल में ये जो अपने आप बड़े विकास होते रहते हैं उन पे लटक के अपने आप को सही स्थापित करना पड़ता है। मगर देखिए अंदरूनी हिस्सा जो है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का अंदरूनी हिस्सा है, वो सिर्फ छोटे विकास की व्यवस्था से चलता है, जिसके अंतर्गत आती है पानी, पीने के पानी की व्यवस्था। हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है तो किसानों के लिए, खेती करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाए उतना ही अच्छा है। और सिंचाई के पानी की व्यवस्था, बिजली की स्थायी रूप से व्यवस्था। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बड़े विकास के नाम पर दिया तो जला दिया गया, मगर पड़ोसी के घर में रोशनी कर दी गई और अपने घर में रोशनी नहीं करी। इसका मतलब ये है कि सूरज की किरण से जो ऊर्जा, मतलब जो बिजली का उत्पादन है, वो देश विदेश में हमारी गुड़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा होता है, मगर उससे दिल्ली की ट्रेन चलती है। और हमारे क्षेत्र को वादा किया गया था कि पूरी बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा, मगर आप ट्रांसफार्मर जुड़े हुए हैं, 3 फेज़ की बिजली तो दूर, 2 फेज़ की बिजली उपलब्ध है जिसमें दूसरे फेज़ में वोल्टेज ही नहीं है।